नाम कबो कबो भैया लोग टीवी पे देखले हो बजा फरसा वाला फरसा वाला परशुराम गुरु पहुंचलन हो जा करके आवाज लगाए राजा जनक कहा हो भूख लगी है भोजन कराओ। राजा जनक जी बाहर निकलन हो बिरहा सुने वाला पंच लोग हम छोटे भाई है आपके छोटे कलाकार है हमारे गार्जियन बिरहा स्टार फिल्म अभिनेता और समाजवादी पार्टी के मंत्री रह चुके हैं आप बड़े भैया है बड़ी सौभाग्य बाकी भाई के सामने को छोट भाई गावत हो बताओ कि रामकल परशुराम गुरु को भोजन कराने जब चले हैं राजा जनक जी तो परशुराम जी एगो हाथ में फरसा ले रहे एक हाथ में सिंह की धनुष जब भोजन करके जाए लगलन तो फरसा को उठाए परशुराम गुरु तो फरसा तो उठ गया लेकिन शिव की धनुष को जब उठाने चले हैं तो मालूम पड़ रहा है कि वह धनुष जमीन पर चिपक गई है। उठावत हो धनुष ना ही उठत हो तब परशुराम गुरु कहले कि राजा जनक मैं इस धनुष को छोड़ के जा रहा हूं यह धनुष एक दिन तुम्हारे काम आएगी ई नहीं कहत कि मैं उठाते उठाते खाक दिया हूं उठ नहीं गई ने कहो कि छोड़ के जा रहा हूं एक दिन तुम्हारे काम आएगी परशुराम गुरु चले गए धनुष वहीं पड़ी रही। सीता जी का अवतार भेल जनकपुर में राम जी का अवतार भेल अयोध्या में सीता जी जवान भइली हो धनुष से जगह काहे रखाई लाली है बिरहा को चीज बतावे जात हई सीता जी जो जवान भइली हो संजोग से एक दिन घाव लगलो धनुष में राजा जनक से कहली बाबूजी पता न कैसन धनुष रख दे मैं अंगूठा पर फूट गई फूट गई अरे माई रे माई। राजा जनक जी अपने गांव के नवहन के बोलौलन उ धनुष रसरा में बनाई सिंगरा पर जमान लेके जब चलल हो रस्सा चल देने टूट गई धनुष तस मस नहीं हुई धनुष नहीं उठी तो जब सब आया जमा के हट गई तो सीता जी कहली कि सब उठावल तनी हम देखी तो उठा ले लिया बस सीता जी गई ली हो कवि जी आ ये कई हाथे वो धनुष के धैली हो सीता जी ये कई हाथे धनुष के जब उठौली हो उसी समय प्रण ठान लिए राजा जनक जी मैं अपने बेटी की शादी उसी लड़के से करूंगा जो लड़का इस धनुष को उठाएगा। देश विदेश का राजा महाराजा सब पहुंचल बा धनुष यज्ञ में भाग लेवे बदे वही यज्ञ में पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण दोनों भाई गए हुए वीर गए हुए धनुष के उठावत हो धनुष के उसे उठत नहीं खे गौवा का मेहरुआ बतियाल सके सखी सब तो अले बा लेकिन गजब दू गो लड़का आई बड़ा सा दुआ पर बारात जाले आज बहने का हमारे मनोज भैया के बहने का तिलका चढ़ल हो कि दुल्हा बन के जब जई हो तो गांव के मेहरा ऊपर तिहा के चाहे गवैया के देखे ना जाए बीजा लाल यादव को 1000 मीटर के पहले हुआ राम गोल को रुपया मीटर के पहले हुआ गांव के मेहरा का देख ली दुल्हा अगर दुल्हा सुगर है दुल्हिन सुगर या तो ज्यादा सखी एकदम भाई बहन लग्न ए भैया अगर दुल्हिन सुगर या दुल्हा खराब हो करिया हो तो कह सके मारा ये सखी आ गेहूं की रस पर लेढ़ा का बढ़ा भले उ लड़का डीएम न होके लेकिन कर रही सको वाली जरूर वैसे ही राम लक्ष्मण के देख के गौवा कमाई बहन का बतियावे कलन तर्जबा गीत हमर मात्र 2 मिनट के बाद जनकपुर
तैले बे सखी सब तैले बा लेकिन गजब है दुगो भाई महफिलिया में घूमत हुए ये दोनों भैयान के हाथवा में का निकल ग मास्टर सुगर सुगर हाथवा में सुगर कि राजा साहब ने पगलाइल बड़ा झूठाई के नहीं धम कमंडल रचल हुआ बताओ हाउ दोनों लड़का घूमत रहो सा वो दोनों लड़का में से कौन एक लड़का वा सपना लड़की का बियाह कर देता बढ़िया रहल हा ओमे दूसर की कहते ए सखी मत बोला ये बड़ बड़ हुआ का बात बा बड़ का हवा खुले ला लोग कहला हवा खुला ला वही में छोट का खुले तो लोग मार सारा पाद दी चुपचाप रह जा तमाशा देखो जा ये में बोला जमात तब तक राजा जनक के मुंह से आवाज निकल गई कि लग रहा है कि दुनिया की धरती वीरों से खाली हो गई अगर मैं समझा होता किस धरती पर कोई वीर नहीं है धनुष को उठाने वाला तो मैं धनुष से यज्ञ नहीं रखा होता ये बतिया लक्ष्मण जी सुन लन उठ के खड़ा हो गए लन जौने गुरु वशिष्ठ का नाम हमारे जेपी भैया ले लह उहे गुरु वशिष्ठ जी रहल जौन तिलखावा में रहल उहे पंडित जी भी हो में हूं ए बाबू आज गुरु वशिष्ठ जी देखला कि लक्ष्मण तो खड़ा हो गया कहला कि लक्ष्मण लागल गोफा पे लागल हो जाए हर जगह कहला कि गुरु जी अबे जाई फट धनुष से उठा ले सीता से बियाह कले कहला कि अड़ाओ लो हां हमें नंबर नहीं चाहिए लोग अड़ाओ लो अरे ना इतना भैया लोग बैठल हुआ इंसान में और भगवान में भगवान में और इंसान में बहुत अंतर है इंसान के अंदर क्या है हम ये हैं तो हम वो हैं लेकिन भगवान के अंदर हम नहीं हैं देखिए एक शिव की धनुष को उठाने के लिए आदेश हुआ गुरु वशिष्ठ का कि राम सारे लोग आजमा कर हट गए तुम भी उठा सकते हो पुरुषोत्तम राम श्री रामचंद्र जी चले धनुष के ओर आ धनुष के लगे जब पहुंचला तो देखा भगवान में का अंतर हो जा करके साष्टांग प्रणाम कर रहे भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी उस शिव की धनुष का जाके गोड़ लगा धनुषिया का निवेदन करता ना कि हे प्रभु अपने धनुष का वजन कम कीजिए वरना यह राम बालक नहीं उठा पाएगा तो जितना मोटका मोटका पेड़ुरिया वाला पहले को उठावले रहो से उठावल चाहता हूं सर वो कह सके हई देखो हई देखो हवा बन होता हवा बन होता हवा बन से मेहरारू मिली हवा बन से धनुष उठी ये हवा बन होता अब तबले हुआ क्या रामायण में लिखा भी गया है कि हो ही है उहे जो राम रचि राखा आकर तर्क बड़ा वही साखा भगवान राम जब धनुष के लगे गइलन ह ए भैया खाली छुअले क देरी रहल भगवान राम उस धनुष को उठाए प्रणाम बोला कि भगवान राम उस धनुष को उठा करके तोड़ दिए बजी ताली महफिल में हां वीर बा चल मर्द का पानी मर्द राखे वो मर्द बचल बस हां कुल बरतिया हो गए आज तना कुल गई रहलो उठा के बियाह करे बद धनुषिया के उमय बरतिया हो गई लगे आज भाई का बाबू गीत का आखिर लेंगे अरे कुल को या के सरा
रूप साई धनुषिया तो रम पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी तभी हवा खाली नहीं कहो कल चाहत रह लेकिन ये कही मारे भाते राम लक्ष्मण भर शत्रुधन चारों भयन के विवाह भई राम चरण